शिमला के ढली में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों को दलित समुदाय से जुड़े कुछ लोगों द्वारा एस्ट्रोसिटी एक्ट की आड़ में डराने धमकाने का मामला सामने आया है। उनका कहना है कि झूठे जात पात के केस और कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिस पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी शिमला कार्यालय आए हैं। अमिता सूद, महिला अध्यक्ष सामान्य वर्ग संयुक्त मंच, ने बताया कि वह ढली में रहते हैं। वहां कुछ अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा उन पर एस्ट्रोसिटी एक्ट की आड़ प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें जान से मारने पर रेप करने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस को इसकी जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैम, मेरा नाम अमिता सूद है और मैं शिमला से सामान्य वर्ग संयुक्त मंच से महिला अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ पे शहरी गरीब परिवार योजना के अंतर्गत ढली बीपीएल कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। आज मेन मोटिव एसपी मैडम से मिलने का ये है कि ढली कॉलोनी में जर्नल फैमिली के 8 से 10 परिवार हैं और वहाँ पे मतलब बाकी के जितने भी परिवार हैं वो कास्ट के लोगों के हैं और वो लोग पहले हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ रेप जैसी वारदात करने की बात रख रहे हैं और अगर हम कहीं पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो उस चीज़ का हमारे लिए कहीं भी सुनवाई नहीं है। कल उन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस वालों को ढली से बुलाया क्योंकि हम लोग ढली थाना जा रहे थे एसएचओ के पास अपना मुद्दा रखने, किस तरीके से यहाँ पे ये लोग मतलब बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ इस तरीके से बिहेव हो रहा है। तो उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत उनको बुलाया और जो पुलिस अधिकारी आए थे एसआई रैंक के, उनका बिहेवियर हम लोगों के साथ इतना गंदा था कि वो कहते कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है यहाँ पे जो तुम्हारे लिए यहाँ खड़े रहेंगे, अगर कानून के रक्षक ही हमारे साथ इस तरीके से बात करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो मेन मोटिव आज एसपी मैम के पास यही था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा हरास हो रहे हैं और इस तरीके से जो भी 8 से 10 परिवार है जिनके ऊपर इन्होंने एट्रोसिटी के मुकदमे करे हैं, मारपीट करी है, धमकियां दी हैं, तो वो भी हमारे साथ आए हैं, तो आज हम उनको अपनी एप्लीकेशन देंगे और इस चीज को उनके सामने रखेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। सर, जो परिवार है वो डोली नाहर है एक लेडी और उनके देवर है अर्जुन नाहर, जो कि ये कहते हैं कि कृष्णा नगर मोहल्ले से हम लोग गुंडों को बुलाएंगे और इनके साथ हम मतलब गलत काम करेंगे, इनको हम इतनी गंदी लैंग्वेज वो लोग यूज कर रहे हैं। और जब हमने मेरे संगठन से सीनियर जो कार्यकारिणी टीम आई थी, जब उन्होंने लाइव किया तो उन्होंने उस लाइव को लेके हमारे ऊपर केस कर दिया कि हमने वहां पे उनके नाम लिए। अब जो लोग हमें धमका रहे हैं तो हमारा राइट बनता है उनका नाम लेने का कि ये लोग हमें अब्यूजिव वर्ड बोल रहे हैं और धमका रहे हैं। कृष्णा नगर में फेंक देंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। 19 तारीख को एसपी मैम की नॉलेज में भी मेल करी हुई है, एडिशनल डीसी को भी मेल है, डीसी सर को भी मेल है और थाना ढली को भी मेल है, ये मार्क होगी है बीसीएस महिला पुलिस स्टेशन के लिए। तो अभी तो कुछ एप्लीकेशन पे हमारे सिर्फ बयान हुए हैं बट उनके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। या तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।